वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत तरक्याती प्रोग्राम समेत विफाक और सिंध के मसाइल पर इजलास। वज़ीर-ए-आला सिंध सिंध काबीना और पीडीएम की आला क़यादत शरीक। वज़ीर-ए-आज़म को वज़ीर-ए-आला सिंध की कराची सर्कुलर रेलवे पर ब्रीफिंग। कहा ट्रैफिक का मसला बीआरटी सर्विस की कामयाबी के सीआर पर मुनहसर है। मुतालबा किया कि केसीआर समेत सिंध के मनसूबे सी पैक में शामिल किए जाए। केसीआर को हम सी पैक के तहत बनाएंगे, वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की ज़ेरे सदारत पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास। इजलास में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, हमाद अजहर समेत दिगर शरीक। इजलास में मुल्क की सियासी सूरतेहाल पर गुफ्तगु। पेशावर, कराची, लाहौर में जलसों की सूरतेहाल पर गुफ्तगु। तहरीक इंसाफ के 120 अराकीन कौमी असेंबली के इस्तीफे डिप्टी स्पीकर को मौसूल। कासिम सूरी ने इस्तीफे मंजूर कर लिए, नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। कौमी असेंबली सेक्रेटेरियट का डिप्टी स्पीकर का हुक्म मानने से इनकार। इस्तीफों की जांच पड़ताल से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से इनकार कर दिया। और पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल के तमाम अरकान की तायनाती गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने काउंसिल के तमाम अरकान को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। काउंसिल के सदर डॉक्टर अशरत तकी, नायब सदर मोहम्मद अली रजा की तायनाती गैर कानूनी करार। अरकान की कानून के मुताबिक तायनाती तक हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर अमूर चलाए, अदालत की हिदायत।